नमस्कार मित्रों, मैं भरत माद्री झा जैन, ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको मेष राशि या मेष लग्न से लेकर सिंह राशि या सिंह लग्न तक अब तक आपको ऐसे नुस्खे बताए, ऐसे टोटके बताए जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है, और यदि वो प्रयोग अगर श्रद्धा से किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ही धन भी मिलेगा और उसके काम की सफलता भी उसको मिलेगी। तो जिस प्रकार से मेष से सिंह तक लिया था मैंने, आज हम कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए बात करेंगे कि उनको क्या ऐसा नुस्खा अपनाना चाहिए तो उनको भी जीवन में बहुत ही लाभ भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कन्या लग्न या फिर कन्या राशि वाले। सबसे पहले मित्रों, एक ग्रीन कलर का धागा लेना है। आप यह देख सकते हैं कोई भी टेलर के इधर या कटरी दुकान में ग्रीन धागा ऐसा मिल जाएगा, वो लेकर के आपको इस तरह से आड़ा रखना है और उसके बाद में उसके ऊपर एक येलो कलर का कपड़ा लेना है जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट हो, उसमें से हवा का पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ग्रीन कलर का जो सॉरी ये जो येलो कलर का जो कपड़ा है वो इस ग्रीन धागे के ऊपर बिछाना है। ग्रीन धागे के ऊपर बिछाने के बाद में आपको दोनों साइड में दो गोल आकार का आकृति बनाना है। आप यहाँ पर कॉइन रख करके भी बना सकते हैं, तो हम वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में एक 5 रुपये का कॉइन लेकर के यहाँ पर रखना है और उसके ऊपर एक 2 रुपये का कॉइन है वो भी इसके ऊपर रखना है, यानी कि 5 और 2 7 रुपया मैंने का कॉइन है यहाँ पर रखा है। और ये रखने के बाद में भी आप यहाँ पर रेड मार्कर से गोल आकार बना सकते हैं। उसके बाद में आपको जो राइट साइड में भी एक गोल वृत्ताकार आकृति बनानी है जो कि आप कॉइन रख करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रुपये का एक कॉइन यहाँ रखना है और उसके ऊपर और 2 रुपये का कॉइन यानी कि 4 रुपया यहाँ पर रखना है और इसके सहारे भी आप गोल वृत्ताकार आकृति बना सकते हैं। ये होने के बाद में आपको इस गोल आकार को इस गोल आकार से आड़ी लाइन खींचकर रेड मार्कर से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ दिया जब आपस में, उसके बाद में सिंगल सेंटर में एक सीधा खड़ा लाइन रेड मार्कर से खींचना है। रेड मार्कर से ये खड़ा लाइन खींचने के बाद में इसको इस प्रकार से स्वस्तिक का आकार देना है। इसके बाद में आपको गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र बहुत इजीली ज्वेलर्स की शॉप में अवेलेबल हो जाता है या फिर कटलरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे गोमती चक्र 7 गिनती करके लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो 7 गोमती चक्र लेफ्ट साइड में आपको रखना है। गोमती चक्र रखने के बाद में जो समुद्र में कोड़िया पाई जाती है जो कि वो भी कटलरी शॉप में इजीली उसको मिल जाएगी कटलरी शॉप में, तो ये भी 7 गिनती करके यहाँ पर रखना है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 कोड़िये यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखना है। इतना हो जाने के बाद में आपको एक हल्दी की आखी हल्दी का एक पीस लेना है जो कि कहीं से भी कटा हुआ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। तो स्वस्तिक के बीचों बीच यहाँ पर इसको खड़ी ऐसी यहाँ पर रखना है। वो हो जाता है। उसके बाद में
जो समुद्र के किनारे पे शंख मिलता है, छोटे छोटे शंख जो इजीली किधर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये भी शंख 7 गिन के लेना है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 शंख भी आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर रखना है। इतना हो जाने के बाद में आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है, पंचमुखी रुद्राक्ष वो लेकर के आपको राइट साइड में यहाँ पर रखना है। और इसके बाद में 3 रत्न लेना है, जिनकी भी कन्या लग्न और कन्या राशि है अर्थात उसका स्वामी होता है बुध, तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 कैरेट से ऊपर एक पन्ना अर्थात एम्ब्रॉयड लेना है, वो लेकर के आपको यहाँ पर आगे रखना है। और लेफ्ट साइड में एक 5 से 7 कैरेट तक का ओपल पत्थर आता है, वो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक डालना है। और राइट साइड में जिधर 4 रुपए का कॉइन रखा है, उधर ये 5 कैरेट से ऊपर कोई भी साउथ सी मोती ले सकते हैं, उसको इन कॉइन के ऊपर 4 रुपए का जो कॉइन है, 2-2 रुपए का 2, यहाँ पर आपको रखना है। और इसके बाद में राइट साइड में चावल के 4 दाने लेना है, 4 चावल के 4 दाने लेकर के यहाँ पर राइट साइड में आपको डालना है। इतना सब होने हो जाने के बाद में आपको कुमकुम लेना है, जिसका हल्के से थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर छिड़काव कर देना है, हल्का सा छिड़काव यहाँ पर कुमकुम का कर देना है। इतना हो जाने के बाद में आपको आपकी राशि का जो स्वामी है बुध ग्रह, उस ग्रह का 27 बार मंत्र जाप करना है। तो मित्रों, ये सभी करते समय आपका जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य कोण की तरफ होना चाहिए, और ये वो हो जाने के बाद में ये सारी मतलब ईशान्य कोण की तरफ फेस करके सारी क्रिया करनी है। उसके बाद में इतना हो जाने के बाद में बुध ग्रह का मंत्र 27 बार जाप करना है, जो कि इस प्रकार है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। फिर से दोहराता हूँ, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इस प्रकार से 27 बार बुध ग्रह का मंत्र जाप करना है, और जब बुध ग्रह का मंत्र जाप पूरा हो जाता है उसके बाद में गुरु का मंत्र जाप करना है, जो कि इस प्रकार है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये भी मंत्र 27 बार आपको जाप करना है। तो इतना हो जाने के बाद में इसको किस तरह से पोटली बना करके घर का कौन सा दिशा में रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये समेटना है, इस तरह से समेटना है कि आपके जो कॉइन दोनों साइड में रखे हुए हैं वो कॉइन उल्टा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कितना ही मिक्स हो जाएगा चलेगा, लेकिन कॉइन उल्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम एक फोल्ड इधर से करेंगे और दूसरा फोल्ड इधर से करेंगे, ये हो जाने के बाद में एक फोल्ड उधर से, एक फोल्ड इधर से। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का धागा है वो इसके ऊपर ले करके एक गांठ मार देंगे, धागा पतला है थोड़ा, जाड़ा लेंगे तो इजी रहेगा, गांठ लगाने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से गांठ लगाना है, बहुत इजी है, कन्या राशि या कन्या लगने वाले ऐसा कर सकते हैं। इतना एक साइड से गांठ लगाने के बाद में उसको दूसरी साइड में भी गांठ लगाना है, ध्यान रहे कि कॉइन उल्टा नहीं होना चाहिए। इतना हो जाने के बाद में यहाँ पर फिर से एक गांठ लगाना है,
ये एक एक बार दोनों साइड से हमने इसको कवर कर लिया। अभी फिर से एक बार इसको घुमाना है, कॉइन को पकड़ के ध्यान से घुमाएं ताकि ये दो बार हो गया। फिर से गांठ लगा दीजिए और इधर दो साइड हो गया। अभी इधर भी एक साइड एक बार फिर से गांठ हमें लगाना है घुमा करके, ताकि दोनों साइड दो दो बार इसको घुमाना फिर उसको गांठ लगाना है। तो ये दूसरी बार भी हमने धागा लपेट के इसको गांठ बांधना है। तो दो बार मैंने इधर घुमाया और दो बार इधर घुमाया। अभी जो एक्स्ट्रा धागा जो बच जाता है उसको आप कैंची से काट सकते हैं। अभी इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतना सब हो जाने के बाद में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर में कहाँ रखना है। तो घर में जो घर की जो घर के अंदर जो साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा, उसमें उस जगह पर इसको स्वच्छ जगह पर रखना है। अगर आपका पैसा भी आपके कपबोर्ड में या सेफ में अगर साउथ दिशा में है तो वहाँ पर अगर आप पैसे भी रखते हैं, धन रखते हैं, ऑर्नामेंट रखते हैं तो उसके साथ में इसको आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साउथ दिशा में इसको रखना है, कपबोर्ड में या तिजोरी में किधर आप रख सकते हैं। इसके बाद में इसको आप एक जगह साउथ दिशा में स्थापित करने के बाद में आप जब भी घर से अपने जॉब के लिए निकले या अपने बिजनेस के लिए निकले तो निकलने से पहले इसका दर्शन लेना है और आपको बुद्ध का मंत्र 27 बार जाप करना है और उसके बाद में गुरु का मंत्र भी 27 बार जाप करना है। तो इस तरह से जाप करने के बाद अपने बिजनेस पे आप निकल सकते हैं या अपने जॉब के लिए निकल सकते हैं। सेम इसी प्रकार जब आप घर पे वापस लौटते हैं तब भी आपको फिर से दर्शन लेना है सोने से पहले और इसका बुद्ध का मंत्र 27 बार, जो कि मैंने पहले ही बताया है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, ये मंत्र 27 बार जाप करना है। और इसके बाद में जो गुरु का मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये भी 27 बार जाप करना है। तो ये सब आपको 11 गुरुवार तक कंटिन्यूस करना है। और इस पोटली को कब कहाँ कब खोलना है और इसमें कब कौन सी चीज़ प्लस या माइनस करना है वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये वापस पोटली जो खोलने का जो एक टाइम रहता है वो एक दीपावली के दिन एक विशेष मुहूर्त रहता है, उस मुहूर्त में ही इसको खोलना है। और इसमें क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है वो मैं आपको दिवाली से पहले बताऊंगा। तो ये प्रयोग कन्या, जिनका कन्या लग्न है और राशि और कोई है उनके लिए भी ये प्रयोग काम आएगा, या जिनकी कन्या राशि है और लगन कोई और है तो भी उनके लिए यह काम आएगा। तो बहुत सारी ऐसी कुंडली मैंने देखी है जिनमें धनेश और लाभेश का अच्छा लक्ष्मी योग होता नहीं है, धनेश या लाभेश व्यय भाव में चला जाता है या आठवें हाउस में चला जाता है या सिक्स हाउस में चला जाता है। तो व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी उसको लाभ नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा जांचा परखा और बहुत ही रामबाण उपाय है जो आप जितना श्रद्धा से इसको करेंगे उसको तो कन्या लगन वालों या कन्या राशि वालों को जीवन में धन भी मिलेगा और सफलता भी अपने काम में मिलेगी। तो इसको आप साउथ में रखने के बाद में इसको हिलाना नहीं है, एक ही जगह पे इसको स्थिर रखना है। तो मित्रों ये था आज कन्या लग्न या फिर कन्या राशि वालों के लिए एक ऐसा नुस्खा जो कि आप जितना श्रद्धा से करेंगे तो आपको आपको बहुत ही जीवन में लाभ मिलेगा और काम में भी सफलता मिलेगी। तो मित्रों यदि आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा वीडियो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों यदि आपको भी जन्म कुंडली दिखाना है, आपके दुकान मकान फ्लैट बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है या आपको उत्तम क्वालिटी के घर बैठे जेम स्टोन प्रॉपर और जेन्युइन
आपको जेमस्टोन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Oh.